हेलो दोस्तों, आप में से एक दो भाइयों के मुझे मेल आए थे कि हमें पावर टिलर लेना है पर उसे चलाना नहीं आता। तो आज की वीडियो में मैं आपको पावर टिलर को कैसे चलाते हैं उसकी वीडियो लेकर आया हूँ। तो पहले इसको स्टार्ट करने करने के लिए, तो इसको स्टार्ट कैसे करें वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये आपको जो ये जो नोब दिख रहा है उसे इस तरह खींचना है, फिर हैंडल घुमा के एक स्पीड पर इसको छोड़ना है, जैसे कि लिस्टर इंजन को स्टार्ट करते हैं उसी तरह से इसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यह है पावर टिलर का क्लच और यह है हेडलाइट की स्विचेस, देख सकते हैं यहाँ पे। ये लो बीम और हाई बीम की है और यह है इसका क्लच, चूंकि इस फिलहाल ऑफ पोजीशन पर है, यानी कि अभी पावर टिलर रुका हुआ है। और अगर आप इसको छोड़ेंगे तो पावर टिलर चलने लगेगा, और जैसे ही आप इसको खींचते हैं और ऑफ पोजीशन पर लाते हैं तो पावर टिलर रुक जाएगा। और ये ब्रेक है, यानी कि अगर आप इसको यहाँ पर खींच के यहाँ पे रखेंगे तो हैंड ब्रेक का काम करेगा, यानी कि आपका ट्रैक्टर आगे पीछे मूव नहीं होगा। और ये ऑफ पर हैंड ब्रेक नहीं लगती। यह है पावर टिलर की लेफ्ट साइड की ब्रेक और यह है राइट साइड की ब्रेक। जैसे मैं लेफ्ट साइड की ब्रेक को प्रेस करूंगा वैसे पावर टिलर लेफ्ट साइड की ओर जाएगा, और जैसे ही मैं राइट साइड का ब्रेक को प्रेस करूंगा वैसे पावर टिलर राइट साइड की ओर मुड़ने लगेगा। यह है इसका सिंपल ब्रेक सिस्टम। यह है इसका एंड रेस, यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं और लीवर को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। और यह है इसके गियर के लीवर, यह अभी पहले में है, यहाँ से आप ऐसे करके इसको दूसरे तीसरे और रिवर्स में लगा सकते हैं। और यह है इसका हाई लो, अभी ये लो में है, अगर इसको आप पुल करेंगे ऊपर तो अभी ये हाई में हो जाएगा, और आगे अगर आप इसको फिर से प्रेस करेंगे तो ये लो में काम आएगा, लो में हो जाएगा। यह है इसके गियर के ऑप्शन। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में खुद इसे चला करके आपको दिखाऊंगा कि ये क्लच, गियर और ब्रेक कैसे काम करते हैं।